हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूँ अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैथ्स के लेक्चर देगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप तसल्ली से एकदम लेक्चर देखो और प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5.5 क्लास 12th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 5। उसमें 5.5 में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन कर लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। 15-18 बस ये 4-5 क्वेश्चन बाकी है, ये करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो, xy इक्वल टू ए की पावर x माइनस वाई, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है, अवकलन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, xy x इंटू वाई इक्वल टू ए की पावर x माइनस वाई, एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को। इस क्वेश्चन का अवकलन करना है, अवकलन का मतलब वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। कैसे, फंक्शन की पावर है कुछ, ठीक है ना, इसका मतलब लॉग तो लेना पड़ेगा। तो टेक बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग ले लिए तो लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ए की पावर एक्स माइनस वाई, ओके एक्स माइनस वाई उतर के आगे, और लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एम प्लस एन। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई उतर के आगे आ गया, और यहां पर क्या बचा, लॉग ई। एक्चुअली जो दोनों तरफ लॉग लिया है ना, वो लॉग बेस ई लिया है, ठीक है ना। ये लॉग बेस क्या होता है, ई होता है, इसको ln भी कहते हैं। तो लॉग ई बेस ई कितना होता है, 1। क्या बचा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x प्लस ln y, इसका मतलब बेस में e, e बेस e तो 1 हो गया, बचा x माइनस वाई, ठीक है ना। अब क्या करूं, हमें तो dy by dx चाहिए ना, क्या करूं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो log x का 1 by x और x का 1 प्लस log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। माइनस डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आओ प्लस का, क्यों, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले लो, और क्या है, बड़ी बात नहीं है कुछ। प्लस का 1 है, 1 बाई एक्स उधर गया तो माइनस का, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब इसमें से dy by dx कॉमन ले लो, जैसे ही dy upon dx कॉमन लिया, 1 by y plus 1 बचा कि नहीं बचा, इसमें से dy by dx कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 by y, यहां बचा प्लस का 1 equal to 1 minus 1 by x, ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में, देन dy by dx क्या निकल के आएगा, 1 minus 1 upon x के डिवाइड में, के भाग में क्या आ गया, 1 बाई वाई प्लस 1। एलसीएम ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, जैसे ही एलसीएम लोगे इसका, x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन में वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, ये y ऊपर और x नीचे, तो y बाई एक्स तो है ही, ठीक है ना भाई, वाई ऊपर चला गया इसके मल्टीप्लाई में, और 1 प्लस वाई चला गया x के मल्टीप्लाई में, तो y बाई एक्स और x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, y बाई एक्स, x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, यही है, इजी है ना, ऐसे बस तुम्हें ही करना था। वैसे ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बकायदा क्या है प्रैक्टिस नहीं की है, उनके लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ बकायदा। जिन जो बच्चे सीरियस है ना, एग्जाम्पल होने के बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद से करो, खुद से करने के बाद एक बार थोरोली बस सॉल्यूशन देख लो, हाँ हमने सही किया है कि नहीं, पैटर्न क्या रहेगा। और इस सॉल्यूशन में जिन्होंने कर रखा है उनको कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक आधी चीज़ न्यू मिलती रहेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा मेरे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो देख लेना, क्या पता कुछ नया मिल ही जाए, और मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो लोग कर चुके हैं पूरा सॉल्यूशन एक बार अगर वीडियो और देख लेते हैं, इसका मतलब रिवीजन तो ही गया, रिवीजन हो गया दिमाग में सेट है चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड हेंस f डैश 1। ठीक है, ये कह रहे हैं डेरिवेटिव निकालो। एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में क्या दे रखा है, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये फंक्शन दे रखा है, पूछा है एफ डैश 1। सबसे पहले ये बताओ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एफ डैश एक्स, बताया था ना डी वाई बाई डी एक्स लिखूं चाहे एफ डैश लिखूं, एफ डैश एक्स लिखूं, एक ही बात है। तो इसमें पूछा एफ डैश 1, अपने तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लिया, इसमें एक्स बराबर 1 पुट कर देंगे। जैसे ही एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे, जैसे ही एक्स का मान 1 रखोगे, ये क्या आ जाएगा एफ डैश 1। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसमें एक्स बराबर 1 रखना है, बस करते हैं। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो देखो फंक्शन प्रोडक्ट में, जब भी प्रोडक्ट में लॉग ले लेंगे तो लॉग एम इंटू एन क्या होता था, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये प्रोडक्ट वाले क्या आ जाएंगे प्लस में, ये गुणा वाले क्या आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। तो देखो बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये होगा लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग के अंदर ये पूरा, लॉग के अंदर ये पूरा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो लॉग के अंदर कोई भी मल्टीप्लाई में होता है ना, कोई भी गुणा में होता है ना, उसको जोड़ देते हैं। तो करो, तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन पी क्यू, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद दिमाग में क्या आएगा, अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, कर दो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। अच्छा, लॉग वाई होता था तो क्या होता था, 1 बाई वाई, लॉग एफ एक्स है तो 1 बाई एफ एक्स, लॉग वाई होता था तो 1 बाई वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, अभी 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। समझ आ रही क्या बात, लॉग एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स, अंदर चले एफ एक्स का एफ डैश एक्स, अपन करते थे लॉग वाई का, लॉग वाई क्या होता था 1 बाई वाई, अंदर चले डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होता है एफ डैश एक्स। इसका करो लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स का 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब का अवकलन 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का 4 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 8 का 8 एक्स की पावर 7। इजी है ना, अब क्या किया जाए, एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ एक्स की मल्टीप्लाई करा दो, एफ एक्स की मल्टीप्लाई करा दी और अंदर क्या बचा, ये पूरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है ना, अब देखो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, इस एफ एक्स की मल्टीप्लाई कराई और सब कुछ। एफ एक्स कौन है, एफ एक्स ही पूरा, इस पूरे की वैल्यू यहां रख दो एफ एक्स की जगह, तो यही रख रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं इसी में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स की वैल्यू रख रहा हूं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4
इंटू वन प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है क्या? जो एफ एक्स की मल्टीप्लाई की थी उस एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब हमें तो एफ डैश वन चाहिए था, क्वेश्चन ने यही पूछा है एफ डैश वन निकालना है। कहा है ना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है एंड हैंस फाइंड एफ डैश वन। कह रहा है इस फलन का अवकलज ज्ञात करो तथा एफ डैश वन ज्ञात करो। अवकलज मतलब अवकलन कर लिया, एफ डैश वन ज्ञात करना है, करने करते हैं भाई। एक्स बराबर वन पुट कर दो इसमें, तो एफ डैश वन क्या करूँ, ऊपर कर देता हूँ एफ डैश वन, एफ डैश वन यानी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, पुट एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक रखा तो देखो वन प्लस एक्स की जगह एक, तो वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर भी वन, वन प्लस वन की पावर फोर भी वन, वन प्लस वन की पावर एट भी वन, टू 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 सब दो दो बनेंगे, एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, तो ये सब बन गए दो। तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू अंदर क्या बन रहा है वन अपॉन वन प्लस वन, वन बाई टू प्लस तीन इंटू एक बटा एक प्लस एक का क्यूब भी एक, एक और एक दो, तीन बटा दो, तीन बटा दो प्लस फोर इंटू वन फोर, वन प्लस वन टू, फोर बाई टू, फोर बाई टू प्लस एट इंटू वन एट और वन प्लस वन टू, एट बाई टू, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है, इस टू एलसीएम ले लिया, टू एलसीएम लेके तो वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एट, आठ और चार बारह और तीन पंद्रह एक सोलह, सोलह आएगा इंटू में दो इंटू दो चार, चार इंटू दो आठ, आठ दून सोलह, आठ चार बारह ये सोलह आ रहा है और दो दून चार दून आठ दून भी सोलह आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं, एक मिनट कुछ गलती हो गई क्या, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट तीन, कुछ गलत हो गया, वन प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में, ये गलती हुई क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कर लेना ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, कितना होगा टू एक्स, और कोई चेंज नहीं है, बस ये क्या है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दे रखा था, अपन ने एक्स क्यूब लिख दिया ठीक है ना, तो 2x है तो यहाँ पर x बराबर 1 रखूँगा तो 2 अपॉन 2 ठीक है ना, ये 2 बाई 2 बनेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ही है, वहाँ कैसे गलत लिख दिया पता नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के ये चेंज कर लेना ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 1 रख लेना, तो 2 बाई 4 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2 सब में नीचे तो 2 ही बनेगा क्योंकि x बराबर कितना है 1, ऊपर क्या बनेगा 2 इंटू वन 2, 4 इंटू वन 4, 8 इंटू वन 8 ठीक है, तो ये कितना आएगा, दो एलसीएम ले लिया 8 और 4 12, 13 14 एक 15, 15 आएगा 2 8 जा 16, 15 इंटू 8 120, आंसर कितना आ गया 120। एफ डैश वन की जो वैल्यू आई है वो 120 आई है ठीक है, तो जो भी चेंज है वो कर लेना, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से करो और वापस देख लो कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 करा दिया मैंने, बस दो क्वेश्चन और बाकी है 17 और 18, खत्म है ये 5.5। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन थ्री वेज मेंशन बिलो, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलज ज्ञात करना है ठीक है ना। तीन रूल्स है, पहला क्या है बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्या है बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, और थर्ड है बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, पूछा है क्या ये सभी सेम आंसर देते हैं। हिंदी में क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
कि इस दिए गए फलन का अवकलन करना है। कैसे कैसे? पहला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, कह रहा है यू इंटू वी, यू इंटू वी जो प्रोडक्ट रूल पड़ा था ना अवकलन का, क्या कहते हैं गुणित रूप, इस यू इंटू वी से इसका अवकलन ज्ञात करना है यू वी मेथड से। दूसरा क्या है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलीनोमियल, कह रहा है इसका गुणा कराओ और एक सिंगल बहुपद मिलेगा, उस बहुपद का अवकलन करो। और थर्ड क्या कह रहा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघु गुणक या अवकलन द्वारा करो, क्या तीनों से सेम आंसर आते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट यू वी मेथड करना है, सेकंड इसको गुणा करा के एक सिंगल पॉलीनोमियल निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कराओ और एक सिंगल पॉलीनोमियल निकालो उसका आंसर, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उसका आंसर, तीनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। अपन पहला करते हैं, पहला क्या है यू वी मेथड, इसको वाई मान लो भाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, इसको वाई मान लिया। ठीक है, बाई यू इंटू वी मेथड करेंगे, यू इंटू वी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स, यह लाइन लिखना, दोनों तरफ अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यू को रखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, यू को रखा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कितना होगा, एक्स क्यूब का तीन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स का सेवन, और नाइन कॉन्स्टेंट है जीरो, तुम एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इसको रखा और लिख के बताया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, प्लस इसको रखा और लिख के बताया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है ना, मैंने सीधा ही कर दिया क्योंकि अब तुम मैच्योर हो चुके हो, देखो ये कर दिया ये, अब एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन को रखा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स, और माइनस फाइव एक्स का कितना माइनस फाइव, सही बात है क्या, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ओह ये मल्टीप्लाई, चलो कराते हैं एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स स्क्वायर से, थ्री एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर को सेवन से, सेवन एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स को थ्री से, तो माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस का फिफ्टीन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, माइनस फाइव एक्स को सेवन से, तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एक्स, एट को थ्री से, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, और एट को सेवन से, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, प्लस एक्स क्यूब को टू एक्स से, टू एक्स की पावर फोर, फिर एक्स क्यूब को माइनस फाइव से, माइनस फाइव एक्स क्यूब, फिर सेवन एक्स को टू एक्स से, सेवन टू जा फोर्टीन एक्स स्क्वायर, फिर सेवन एक्स को माइनस फाइव से, माइनस थर्टी फाइव एक्स, फिर नाइन टू जा एटीन वो भी एक्स, और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, चेक करते हैं, फाइव पॉइंट फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, तीन एक्स की पावर फोर, ठीक है लगभग आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, तीन एक्स की पावर चार और दो एक्स की पावर चार, कितने एक्स की पावर चार, पाँच एक्स की पावर चार, ठीक है ना। फिर क्यूब वाला, माइनस फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब, कितने एक्स क्यूब, माइनस का ट्वेंटी एक्स क्यूब, और तो नहीं एक्स क्यूब वाले, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, एक्स स्क्वायर वाले लेते हैं, चौबीस एक्स स्क्वायर और सात एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर, थर्टी वन, थर्टी वन, और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है क्या, है ना, फोर्टीन और सेवन सब जोड़ने वाले हैं, ठीक है, चौबीस, चौबीस और सात इकतीस, इकतीस और चौदह कितने, फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर आ रहा है, पैंतालीस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब एक्स वाले ले लो, माइनस पैंतीस एक्स माइनस पैंतीस एक्स, माइनस का सत्तर एक्स, माइनस के सत्तर एक्स में अठारह एक्स जोड़ दो, तो माइनस सत्तर में बीस जोड़ दो, माइनस पचास, माइनस सत्तर ही होगा ना, पैंतीस और ये पैंतीस, माइनस का सत्तर एक्स, माइनस सत्तर एक्स प्लस दस, माइनस साठ, आठ जोड़ दो, माइनस का बावन एक्स, ठीक है ना, माइनस का बावन एक्स, और छप्पन माइनस पैंतालीस कितना हो गया, छः में से पाँच गए एक, पाँच में चार गया एक, ग्यारह, ये हो गया इलेवन, देखो फाइव एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी टू एक्स प्लस इलेवन,
आ गया डिफरेंशिएशन, कौन से मेथड से? यू इंटू वी। नेक्स्ट मेथड, इसी का सेकंड पार्ट, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलीनोमियल। ओके, ये भी कर देंगे। हाँ, इसके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करके एक सिंगल पॉलीनोमियल, एक सिंगल बहुपद में चेंज कर लो y, x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई, x की पावर कितनी? 5, भाई 2 और 3 5, पावर जुड़ती है, ठीक है ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x की पावर 5, x स्क्वायर इंटू 7x, 7x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 9, 9x स्क्वायर, माइनस 5x इंटू x क्यूब, माइनस 5x की पावर 4, माइनस 5x इंटू 7x, तो 5 7 जा 35, माइनस का 35, x इंटू x, x स्क्वायर, ओके, 5x को इससे करा दी, इससे करा दी, 5x को 9 से, 5 9 जा 45x, आगे चलते हैं, प्लस 8 को x क्यूब से, 8x क्यूब, 8 को 7x से, 8 इंटू 7, 56x, 8 इंटू 9, 72, ये y, y आया, dy by dx निकालना पड़ेगा, तो चलो निकाल लेते सीधे, क्या दिक्कत है, dy by dx निकाल लेते हैं। ये आएगा 5x की पावर 4, इसका ये कितना आएगा, 21x स्क्वायर, प्लस ये 18x, ये कितना, 5 4 जा 20x क्यूब, ये कितना 70x, ये कितना 45x का डिफरेंशिएशन, 45, प्लस 8x क्यूब का अवकलन, 24x स्क्वायर, 56x का अवकलन, 56, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया dy by dx, 21x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, और कुछ है, गलत कैसे आ रही, 5x की पावर 4, क्यूब में कितना, -20x क्यूब, -20x क्यूब, 4 और 1 5 2 4, ये सही था, 45x स्क्वायर, और माइनस का 70x प्लस 18x, माइनस का 52x, और 56 माइनस 45 11, सेम आंसर आ रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करा के इसका डिफरेंशिएशन किया, सेम आंसर, इसमें यू भी लगाया, सेम आंसर, लॉग से भी सेम आएगा। चलो लॉग से करते हैं, लॉग से कैसे, बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, चलो बोथ साइड लॉग लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ठीक है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका लॉग के द्वारा, तो टेक बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ओके, लॉग वाई का अब पहले प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, लॉग का गुणधर्म, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, सही है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर अंदर गए फंक्शन के, चेन रूल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस 5, 8 का 0, प्लस लॉग एक्स का अवकलन कितना, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, अंदर गए फंक्शन के, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7, 9 का 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की मल्टीप्लाई करा दूँ, और वाई क्या है ये पूरा, तो वाई की मल्टीप्लाई कराई है मैंने यहाँ से, जैसे ही वाई की कराई है तो वाई की वैल्यू भी रख रहा हूँ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इनको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना, इससे ये गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 की मल्टीप्लाई किससे, 2x माइनस 5 से, देखो y यहाँ आया, y की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं सॉल्व, इससे ये गया ये बचा, इसकी गुणा इससे,
प्लस इससे ये जाएगा, ये बचेगा इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3x² + 7 की मल्टीप्लाई किससे, x² - 5x + 8 से। ये देखो x² - 5x + 8 से ये कट गया, इससे ये कट गया, जो dy/dx है वो क्या आएगा, सीधे लिख दो, देखो x³ × 2x कितने, 2x की पावर 4 x³ × -5 -5x³ 7x × 2x 7 × 2 = 14 x² 7x × -5 -35x ठीक है ना, 9 × 2 कितना 18x, फिर 9 × -5 -45 ओके क्या। अब उसको सॉल्व करो, 3 × x 3x⁴ तो ये हो गया 3x² - 5x है, -15x³ मल्टीप्लाई कराने में आलस मत करना, प्रॉपर लगे रहो, 3x² इससे 3x² - 5x है। अब 3x² = 8 से 8 × 3 = 24x², फिर 7 से करो तो प्लस का 7x² - 7 × 5 = 35x और 7 × 8 = 72 इतना बन रहा है। तो देखो 3x⁴ और 2x⁴ कितने x⁴ 5x⁴ चलो, फिर -5x³ आगे चलो -15 - 5 और -15 - 20 और -35 नहीं -20 आ रहा, -15x³ और -5x³ -20x³ आगे चलते हैं, ये भी हो गया x³ वाले भी हो गए, स्क्वायर वाले 14x² और 7 21 21 और 24 45 प्लस का 45x². अब क्या बचा x वाले -35 - 35 -70 और प्लस 18 यानी -52 -52x हो गया 72 -45 और कुछ है क्या गलत कर दिया 72 क्यों लिखा 87 से तो 56 होता है ठीक है ना, तो 56 - 45 प्लस का कितना 11। ये अपना आंसर पहले भी आ रहा था, सेकंड वाले में भी आ रहा था, थर्ड वाले में भी सेम आंसर, ये सही कर लेना ठीक है ना। 87 से 56 है, मैंने 9 × 8 = 72 लिख दिया ठीक है ना, तो कोई नहीं तीनों से सेम आंसर आते हैं, तुम्हारी मर्जी जिसे करना ठीक है ना, एग्जाम में तीनों नहीं आएंगे, एग्जाम में तो कोई एक ही पूछेगा, पूछेगा ही नहीं, बस सीधा सिंपल पूछेगा dy/dx निकालो, तो जैसा तुम्हें सही लगे वैसे निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू वी एंड w आर फंक्शन ऑफ x, कह रहा यदि u v और w x के फंक्शन है ठीक है ना, x के फलन है, देन शो दैट, तो ये शो करना है कि dy/dx ऑफ u v w इक्वल टू du/dx vw प्लस u dv/dx प्लस u.v dw/dx ठीक है, कह रहे u v w तीनों x के फंक्शन है, तो कह रहे डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ u into v.w ठीक है, कह रहे v और w पड़े हैं और du/dx है, इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसने du/dx रखा है, vw पड़े हैं, vw मैंने आगे लिख लिया, प्लस uw पड़े हैं, u डॉट w पड़ा है और dv/dx, देखो u का अवकलन v का डिफरेंशिएशन, अब किसका w का तो क्या पड़ा रहेगा u और v, कह रहा है ये प्रूफ करो कि अगर u इंटू v इंटू w का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो du/dx यानी vw पड़ा है और du/dx प्लस u के बाद v का डिफरेंशिएशन, तो v के अलावा जो है वो पड़े हैं u और w प्लस u का हो गया v का हो गया w का डिफरेंशिएशन, तो w के अलावा जो पड़े हैं वो पड़े हैं uv ठीक है क्या। अब इसको शो करना है, कह रहा है इन टू वेज, इसको दो तरीकों से सॉल्व करना है, इसको दो तरीकों से सॉल्व करना है, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, कह रहा है पहले तो गुणा के द्वारा सॉल्व करो ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल के द्वारा इसको सॉल्व करो यानी u इंटू वी मेथड द्वारा इसको सॉल्व करो।
सेकेंड वे है, सेकेंड वे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दूसरा लघुगुणक या अवकलन द्वारा इसको सॉल्व करो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के द्वारा इसको सॉल्व करना है। पहला मेथड कर रहा हूँ यू इनटू वी, फर्स्ट मेथड बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल या यू इनटू वी मेथड, यू लिख लो बाय यू वी मेथड, ठीक है ना। अवकलन का गुणित नियम के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं, करते हैं। मेरी बात सुनो, इसको ये शो करना है, कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है, जिसका अवकलन करना होता है, उसको क्या मानते हैं अपन, वाई नहीं मानते क्या, वाई मानते हैं। कह रहा है फंक्शन यू वी डब्ल्यू तीनों क्या है, एक्स के फलन है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। यू वी डब्ल्यू तीनों किसके फंक्शन है, एक्स के, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको वाई मान लिया। अब मेरी बात सुनो, यू इंटू वी कोई दो फंक्शन में लगता है, एक काम करते हैं वी डब्ल्यू को एक फंक्शन मान लेता हूँ और यू को एक, तो अपना ये यू है और ये पूरा क्या है वी, तो ये प्रोडक्ट रूल लगा दो। चलो तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो यू को रखा और डी वाई डी एक्स किसका, वी इंटू डब्ल्यू का, प्लस वी इंटू डब्ल्यू को रखा, v इंटू डब्ल्यू को रखा और डिफरेंशिएशन किसका, u का, समझ आई बात। u को रखा दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे फंक्शन को रखा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u को रखा v w का अवकलन, प्लस v w को रखा u का अवकलन, तो u इंटू वी चालाकी से लगा दिया, एक्चुअल में तीन है, दो को एक मान लिया और u को एक मान लिया, लगा दिया डिफरेंशिएशन u इंटू वी मेथड, तो डी वाई डी एक्स। अब देखो u पड़ा है, अब एक्चुअल में ये देखो दो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में, u इंटू वी लगा दो इसमें, तो v को रखो और w का डिफरेंशिएशन, प्लस w को रखो और v का डिफरेंशिएशन, है ना, u इंटू वी प्रॉपर, v को रखा w का अवकलन, प्लस w को रखा v का अवकलन, प्लस v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये शो करना था, देखो कर रहा हूँ। y किसको माना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, तो यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू ये y है, y की वैल्यू रख दी इक्वल। अब देखो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स चाहिए, ये रहा u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस u को इससे मल्टीप्लाई करो u डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, ये रहा u डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ये रहा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी डब्ल्यू क्या आ गया, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, इन तीनों का सम बराबर होता है इसके डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। ये फर्स्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट रूल से, सेकेंड करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना, लघुगुणक के अवकलन द्वारा, तो सेकेंड मेथड फिर से, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको क्या मानो, वाई, तो यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, हमें ये प्रूफ करना है, कर लेंगे। पहले बताओ क्या करूँ, अगर प्रोडक्ट में है, अगर गुणा में है तो क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग वाई बराबर लॉग यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना। अब log की प्रॉपर्टी, log y इक्वल टू log m इंटू एन, क्या होता है log m प्लस एन, तो log u प्लस log v प्लस log w, log u इंटू v इंटू डब्ल्यू क्या होता है log u प्लस log v प्लस log w। अब डिफरेंशिएशन करना है तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ अवकलन x के सापेक्ष, log y का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, लॉग यू का 1 बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स, प्लस लॉग वी का 1 बाई वी, वी का डी वी बाई डी एक्स, प्लस लॉग डब्ल्यू का 1 बाई डब्ल्यू और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये वाई है ना, वाई की मल्टीप्लाई करा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, जैसे मल्टीप्लाई में जाएगा वाई बाई यू, चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ, वाई से मल्टीप्लाई कराई और एज इट इज पड़ा है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस 1 बाई वी
डी वी वाई डी एक्स प्लस वन बाई डब्लू डी डब्ल्यू वाई डी एक्स। अब कराई वाई से मल्टीप्लाई, जैसे ही वाई की मल्टीप्लाई होगी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई कराई, वाई कौन है यू वी डब्ल्यू, तो वाई की मल्टीप्लाई इससे कराई तो यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन में यू डी यू वाई डी एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई इससे कराई और वाई कौन है यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन में वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई इससे कराई तो यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन में कौन है डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यू से यू गया, वी से वी गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, ठीक है। क्या आया वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ये रहा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, ये रहा यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। हैंस प्रूफ, शो करना था कर दिया। इसी के साथ ही अपना कंप्लीट होता है 5.5 के टोटल 18 क्वेश्चन। 5.5 खत्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचल रूप में अवकलन, ठीक है ना, फंक्शंस का। मेरे पास में 5.5 अगर तुम्हें आ गई है, 5.1 से 5.5 अवकलन पर कमांड हो चुकी है, डिफ्रेंशिएशन पर कमांड हो चुकी है। जो 5.6 है 7 है वो बहुत ईजी है, अगर 5.5 तक तुम्हें कंप्लीट आता है 6-7 ईजी है, 5.8 थोड़ी सी अलग है उसको करेंगे, ठीक है। 5.6 और 7 तो फटाफट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।